बिस्मिल्लाम्सन रोज़े उनतीस होंगे या तीस ईदालफितर दो हज़ार चौबीस पाकिस्तान में किस दिन और तारीख को मनाई जाएगी और ईद के मौका पर मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा बारिश होगी या नहीं जबकि ईद फितर से सिर्फ़ एक दिन पहले दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लगने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण के हवाले से भी तमाम तरह तफसी वीडियो में मौजूद हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कितने बजे शुरू और ख़त्म होगा इस तरह की तमाम तरह तफसीत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें बहुत शुक्रिया रिपोर्ट के मुताबिक ईदालफितर से पहले आठ अप्रैल बरोज सोमवार को कैनेडा मैक्सिको ब्राज़ील, यूरोप अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलफ मुल्कों में साल दो हजार चौबीस का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शाम आठ बजकर बयालीस मिनट पर होगा नौ बजकर अड़तीस मिनट से लेकर बारह बजकर पचपन मिनट तक सबसे ज्यादा मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा जबकि एक बजकर बारह मिनट पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा नाजरीन यह सूरज ग्रहण पाकिस्तान भारत सऊदी अरब बांग्लादेश और मल्हिका इलाकों में नहीं देखा जाएगा तहम सूरज ग्रहण की वजह से सऊदी अरब में पूरे तीस रोजे होंगे उनतीस रोजे पूरे होने पर सऊदी अरब में आठ अप्रैल के रोज ईद अल फितर का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं तमाम नासिन बैन अवी अदारों और रोयत हल कमेटी के चेयरपर्सन खबीर आज़ाद के मुताबिक पाकिस्तान में उनतीस रोजे होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब भारत समेत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में दस अप्रैल बरोज बुध को ईदलफ़ितर दो हज़ार चौबीस इकट्ठे एक ही साथ मनाई जाएगी जबकि महक मौसमियात के मुताबिक ईद के मौका पर मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा किसी खातर खा बारिश का इम्कान नहीं तमाम ईद के फ़ौर बाद तेरह चौदह अप्रैल से मुल्क के मुख्तों में तूफानी तो बारिशों के इम्कान बनते हुए